आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से। प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को अतिरिक्त राशि जारी की है। राशि तुरंत मिलने पर प्रदेश सरकार अब कर्ज नहीं लेगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। 5,727 करोड़ रुपए की राशि है। 2,000 करोड़ का दरअसल सरकार कर्ज लेने वाली थी, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। दिल्ली में मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, और उसके बाद ये राशि जारी कर दी गई है। तो सीएम डॉक्टर यादव ने पीएम और वित्त मंत्री का आभार भी प्रकट किया है। बता दें आपको, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और 5,727 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं और अब सरकार को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। सीधे रुक करते हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, कर्ज लेने वाली थी सरकार, लेकिन कर्ज के भार से अब बच गई है और केंद्र की तरफ से 5,727 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। योजनाओं पर इस राशि को खर्च किया जाएगा। जी जय, बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल राहत भरी खबर है, क्योंकि केंद्रीय कर की जो अतिरिक्त राशि है मध्य प्रदेश को, वो 5,727 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी हो गई है। लेकिन अगर ये जल्द मध्य प्रदेश को ये राशि मिल जाती है तो अगले हफ्ते जो मध्य प्रदेश सरकार 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही थी वो उसे नहीं लेना होगा। दरअसल केंद्र सरकार में जो टैक्स कलेक्शन है वो 15% बढ़ गया है और इसी के चलते ये जो अतिरिक्त तो राशि है वो मध्य प्रदेश को जारी की गई है। और मध्य प्रदेश को साल 2023-24 में जो केंद्रीय करों की जो अतिरिक्त राशि है वो 80,000 करोड़ रुपए मिली है जया, और ये अलग अलग मदों में करीब 14 किश्तों में मिलेगी, जिसमें पहली केंद्रीय करों के लिए जो मिली हुई है ये जो राशि है, अगर जल्द से जल्द ये जारी हो जाती है तो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि अलग अलग योजनाओं के लिए सरकार जो राशि जारी करने थी उसी के लिए उसे इस कर्ज को लेना पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल जब सीएम मोहन यादव की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही ये जो राशि है वो जारी हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल राहत पहुंचाने वाली खबर है, यानी जल्द से जल्द अगर राशि जारी हो जाती है तो फिर कर्ज लेने से सरकार बच पाएगी। जया, निश्चित तौर पर रंजना, क्योंकि अगर कर्ज लिया जाता तो उसका भार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आम जन पर भी पड़ता है। ऐसे में सरकार अब कर्ज के इस बोझ से बढ़ गई है, कर्ज सरकार को नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर, केंद्रीय कर के हिस्से के अतिरिक्त किश्त के रूप में प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपए मिल गए हैं और ये राशि अगर तुरंत मिलती है तो अगले हफ्ते जो कर सरकार लेने वाली थी 2,000 करोड़ रुपए का, वो कर्ज अब सरकार नहीं लेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए।